हेलो है लक्ष्य स्टेशन पर आपका स्वागत है। चलिए आज आपकी न्यू वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ, तो इस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको नई वीडियो आसानी से मिल सकेंगे। तो चलिए हम वीडियो को आगे हम बढ़ाते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है वॉइस, आज हम पढ़ेंगे वॉइस के बारे में, वॉइस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वॉइस को दो प्रकार यानी दो भागों में बांटा गया है, एक्टिव और पैसिव। एक एक्टिव होगा, एक होगा पैसिव होगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पैसिव क्या है, सॉरी एक्टिव। तो एक्टिव एक्टिव का जो मेरा स्ट्रक्चर होगा, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट पढ़े होंगे और वी वन वी फाइव अदर वर्ड यही पढ़े हैं। तो यहां पे हम लेंगे अदर वर्ड, फिर आपका आ जाएगा यहां पे इज एम आर, फिर इसके बाद आ जाएगा आपको भी थ्री और फिर आपको आ जाएंगे बाय, फिर आपको आ जाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ जाएंगे तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले अब एक्टिव का स्ट्रक्चर यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले आपको आना चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हो तो इसका पैसिव आप नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है, मेरा एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, ये स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग ये बना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, अदर वर्ड ले लेंगे, फिर हम क्या लेंगे इज एम आर लेंगे, फिर क्या लेंगे वी थ्री लेंगे, पैसिव में हमेशा वी थ्री का यूज होता है, फिर बाय लेंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे। देखिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लेते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस लेते हैं ही बाय ए कार। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, वह एक कार खरीदता है। तो इसे आप, ये मेरा एक्टिव हो गया, यहां पे एक्टिव वॉइस ये भी लिख सकते हो, एक्टिव वॉइस लिख सकते हो। यहां पे देखिए ये मेरा अदर वर्ड है ना, तो यहां अदर वर्ड लेंगे तो ए कार के साथ हम इज लेंगे सिंगुलर नंबर, हेल्पिंग वर्ब मेरा सिंगुलर नंबर होगा। तो ए कार इज, अब यहाँ पे बॉट लेते हैं तो बाइक का बॉट सबसे। और एक चीज और बात आप याद रखोगे, जब भी वॉइस पढ़ेंगे ना तो आपको भी थ्री यानी वर्ब का तीसरा रूप को समझना बड़ा जरूरी होता है, तो उसको आप पहले समझ लेंगे तभी आप वॉइस समझ पाओगे। तो एक कार इज बॉट बाय, यहाँ पे बाय हिम होगा, ये मेरा सब्जेक्ट ही है, तो ऑब्जेक्ट रूप में क्या लेंगे, यहां पे हम हिम आ गया, ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया। वो इसे देखो हिंदी में बोलते हैं, वह एक कार खरीदता है, यहां पे लिखेंगे एक कार उनके द्वारा खरीदा जाता है, उनके द्वारा एक कार खरीदा जाता है। तो यहां पे ना, यहां जो एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट इसका मेन होता है, सब्जेक्ट फोकस रहता है। जबकि वॉइस में जाएंगे ना, इसका जो अदर वर्ड होता है ना, अदर वर्ड ऑब्जेक्ट, वो बड़ा उनका वैल्यू बहुत ज्यादा, यानी वो प्रधान होता है, वो मेन होता है। तो एक कार खरीदा जाता है किनके द्वारा, तो उनके द्वारा। अब यहां से भी आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो, एक कार खरीदा जाता है, एक कार खरीदा जाता है, यहां पे सब्जेक्ट था ही, किनके द्वारा, बाय हिम उनके द्वारा। तो एक कार खरीदा जाता है किनके द्वारा, उनके द्वारा। तो ऐसे बोलोगे सेंटेंस, एक कार उनके द्वारा खरीदा जाता है या उनके द्वारा एक कार खरीदा जाता है, जैसे भी लोग ऐसे बोल सकते हैं। ये मेरा एक एग्जांपल और लेते हैं आपको, एग्जांपल नंबर वन, एग्जांपल नंबर टू, यहां पे देखिए लिखेंगे आई टीच
आई टीच इंग्लिश, आई टीच मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप इसे लिखोगे अदर वर्ड इंग्लिश इज टॉट, टी ए यू जी एस टी, टॉट बाय मी। ये मेरा आई क्या, मेरा ऑब्जेक्ट रूप में, तो मी आ गया, समझ ना। तो इंग्लिश मुझे पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पे लिखा है मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रमुख हुआ, यहाँ पे मेरा अदर वर्ब प्रमुख। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील करेंगे। और इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, तो आपकी और मैं बेहतर ढंग से बता पाऊँगा और अच्छे तरीके से बता पाऊँगा। और कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी चीज़ आपको सीखना है तो किसी भी इंग्लिश का कोई भी टॉपिक होगा आप उस पर आप कमेंट कर देना, तो मैं उस टॉपिक को फिर से एक नया वीडियो बना के आप लोगों के बीच में रख दूंगा। ठीक है, थैंक यू।